अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रायमंड की साइड पे आई हूँ फॉर राधा किशन। यहाँ पे तैयबा की रहायश है, इनकी कैचअप फैक्ट्री भी है। पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने आपको सारा उसका कैचअप फैक्ट्री का विज़िट करवाया था, खुद भी मैंने विज़िट किया था। बहुत ज़बरदस्त इनकी कैचअप फैक्ट्री, बहुत ज़बरदस्त कैचअप, मायनीज, चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब चीज़ें वहाँ पर तैयार होती हैं फैक्ट्री में। अभी फिर मैं जाऊँगी, ज़रूर आपसे वो सारा जो है शेयर करूँगी मैं व्लॉग। अभी तो हम खेतों में आए हैं, गन्ने के खेत हैं। ये देखें यहाँ पे गुड़ बन रहा है, हमें तो खुशबू खींच दी जा रही है अपनी तरफ। वो देखें दूर गन्ने का वो जो है रो भी ये हमें पिलाएंगी। भाई रो तो मेरी कमज़ोरी है, गुड़ भी खाऊंगी मैं, और गुड़ जो है उसकी खुशबू जो है यकीन करें हमें ऐसे अपनी तरफ खींच रही है। जी चाह रहा भाग के जाके देखें गुड़ कैसे बन रहा है। अभी तैयबा के साथ मैं इधर आई हूँ, गुड़ बनता, बच्चे तो भाग गए चले गए। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ, आपको मिलवाऊँ मैं जो है तैयबा से भी, और दिखाऊं भी कि गुड़ कैसे बनता है गन्ने की रौ का। अभी वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं बहुत सी वीडियोस भी अपलोड करूंगी। यहाँ पे गुड़ बन रहा है, ये देखें ये गुड़ बन रहा है यहाँ पे। अंकल ये आप बताएंगे कैसे बनाते हैं? अंकल बताएं गुड़ कैसे बनाते हैं? नहीं इसमें बताएं, पहले जूस निकालते हैं, फिर इसमें डालते हैं, फिर साफ करते हैं, इधर ही होते हैं। नहीं ये देखें जी, अब हम तो अभी अभी पहुंचे हैं। मेरी बेटी ने व्लॉग में आपको दिखा दिया गुड़ कैसे बन रहा है, ठीक है, दोनों की रौ का गुड़। और अभी मैं इसको देख रही हूँ, खुशबू मुसलसल हमारे सांस में जा रही है, और जी चाह रहा है कि बस ये गर्मा गर्म गुड़ यहाँ से खाएं चखें। और ये देखें कितने प्यारे तरीके से ये बना रहे हैं, ओहो जबरदस्त वो गुड़ बना के रखा हुआ उन्होंने, वो दिखाओ जरा। देखे व्लॉग है जी, गन्नों की रो निकलवाई है, रो पीने लगे हैं, और इसके बाद ही हम लोग घर की तरफ वापसी रवाना हो जाएंगे। बस आज के दिन के लिए इतनी एक्टिविटी काफ़ी है, तो अभी तैयबा के पास हम घर जाके थोड़ा सा बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। और बहुत क्यूट है तैयबा, बहुत माशाल्लाह से लवली लवली सी फ्रेंड है मेरी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनके पास आती हूँ, दिल से प्यार करती है, दिल से मम्मा। ऊपर से यहाँ ये मेरे पास गाना है वहाँ नहीं ये अच्छा लगेगा ना म्यूजिक इससे। हाँ